नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्वास्थ्य सेहत तक। आज हम बनाएंगे बहुत ही फेमस मिठाई गुलाब जामुन। गुलाब जामुन हमारे देश में त्योहारों पर अधिकतर घरों में बनाई जाती है। इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पसंद करते हैं। इसका रेशो अगर प्रॉपर नहीं होगा तो गुलाब जामुन फट सकते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को फॉलो करेंगे तो गुलाब जामुन परफेक्ट बनेंगे। इसे बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाएंगे। इसके लिए एक बड़ा बर्तन लेंगे। मैं यहाँ कढ़ाई ले रही हूँ। इसमें 2 कप चीनी और 2 कप पानी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और चाशनी को पकाएंगे। चाशनी को बीच बीच में चलाते रहेंगे। चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें 2 चम्मच दूध डाल देंगे। इससे चाशनी में जो भी इम्प्योरिटी होगी वो किनारे पर आ जाएगी। देखिए चाशनी की गंदगी किनारे आ गई है। इसे चम्मच की सहायता से हटा लेंगे। अब चाशनी में इलायची पाउडर डाल देंगे। चाशनी में हमें कोई तार नहीं चाहिए। चाशनी को उंगलियों के बीच में रखेंगे। अगर उंगलियां आपस में चिपकने लगेंगी मतलब चाशनी तैयार है। यहाँ हमारी चाशनी एकदम तैयार है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चाशनी को ढककर अलग रख देंगे। चलिए अब गुलाब जामुन के लिए बॉल्स बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम खोया लिया है। इसे मावा भी कहते हैं। इसे अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। फिर हथेली की सहायता से इसे गूथेंगे। अब इसमें 7 से 8 चम्मच मैदा डाल देंगे। आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर एक स्मूथ डो तैयार करेंगे। डो स्मूथ हो गया है। अब कढ़ाई में घी या तेल डालकर गर्म होने के लिए रखेंगे। आंच को धीमा ही रखेंगे। अब डो का थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर उसे गुलाब जामुन का शेप देंगे। बॉल्स की शेप आप अपने पसंद से दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा बॉल्स में क्रैक्स ना हो। अगर क्रैक्स आए तो थोड़ा सा डो को और मसल लीजिएगा। देखिए यहाँ बॉल्स में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। इसी तरह से और भी बॉल्स तैयार कर लेंगे। हाँ, हमने सभी बॉल्स को तैयार कर लिया है। घी हल्का गर्म हो गया है। अब इसमें बॉल्स को डाल देंगे और धीमी आंच पर तलेंगे। आंच को बिल्कुल भी तेज ना करें, नहीं तो बॉल्स बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब बॉल्स एक तरफ से तल जाएंगे तब हल्के हाथों से उसे पलट लेंगे। बॉल्स को पलटते हुए सभी तरफ से तल लेंगे। यहाँ मैं एक टिप देना चाहूंगी कि सभी बॉल्स को पहले एक साथ ना तलें। एक बॉल को लें और उसे तल लें। अगर वो फटे नहीं तब सभी गुलाब जामुन को तलने के लिए डाल दें। अगर गुलाब जामुन फटने लगे तो बाकी के बॉल्स में 1-2 चम्मच मैदा और डालकर गूथ लें और वापस से बॉल्स बनाकर तल लें। इससे आपके गुलाब जामुन खराब होने से बच जाएंगे। हमारे गुलाब जामुन में बढ़िया कलर आ गया है और ये अंदर से पक भी गए हैं। अब इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे।
चाशनी ठंडी हो गई थी, इसे हल्का सा गर्म होने के लिए रख देंगे। चाशनी गर्म हो गई है, अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चाशनी में गुलाब जामुन को डाल देंगे। इसे ढककर 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे हो गए हैं, देखिए गुलाब जामुन साइज में बड़े हो गए हैं। चाशनी बॉल्स के अंदर तक पहुंच चुकी है। अब इसे सर्विंग डिश में डाल लेंगे। बहुत ही रसीले गुलाब जामुन तैयार हो गए हैं। चलिए इसे मैं काट कर भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी आसानी से कट रहा है, बहुत ही सॉफ्ट गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। इसे देखकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना? मेरे मुंह में तो आ रहा है। त्योहार हो या ना हो, आप सभी इस गुलाब जामुन को बनाइए और गर्मा गर्म इसका मजा लीजिए। जब गुलाब जामुन खत्म हो जाए और चाशनी बच जाए तो इस चाशनी से आप शक्करपारे बना सकते हैं। दोस्तों अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के बगल में एक घंटी बनी हुई है उसे दबा दीजिएगा। इससे मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूंगी उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।